कैसा फील हो रहा है स्वर्ण पदक के बाद? बहुत अच्छा फील हो रहा है। ओलंपिक के बाद ये मेरा पहला नेशनल कंपटीशन था और यहाँ पदक जीत के बहुत अच्छा लगा। अच्छा, तो क्या आपको लगा इस यहाँ का लेवल, मतलब कंपटीशन कैसी रही आपके पूरे चारों पांचों बाउट्स में? एक्चुअली सर, कंपटीशन तो ठीक था, जूनियर्स हैं मुझसे और उभरती हुई पहलवान है, तो ठीक था सर। आपका वेट कैटेगरी आप बढ़ाएंगे अगले कॉमनवेल्थ या एशियन गेम्स के लिए? एक्चुअली हमारे सर रूल्स चेंज हो गए हैं, तो इसकी वजह से मुझे वेट चेंज करना पड़ा। अच्छा, तो अगले टारगेट क्या है आप? आगे आने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स हैं। तो उसके लिए क्या कुछ खास अभ्यास रहेगा, विदेश में जाना पड़ेगा? बिल्कुल सर, हम बाहर ट्रेनिंग के लिए जाएंगे और जो भी कमी है उन पे हम काम करेंगे। तो अभी नेक्स्ट अब कैसे रिलैक्स करने का मूड है? कोई रिलैक्स नहीं होता सर, हमारा अगले दिन से ही ट्रेनिंग हम शुरू कर देते हैं। एंड यू आर वर्किंग विद रेलवेज? यस, आई एम इन रेलवे। और सबसे बड़ी बात कि कल आपके हस्बैंड का मुकाबला है, उनके बारे में क्या कहना चाहिए? बस यही है कि उनका भी गोल्ड है और बस इसे खुशी की बात क्या हो सकती है। तो वो आपको कुछ टिप्स देते हैं, आप उनको कुछ टिप्स देते हैं, आपस में एक दूसरे से इस बारे में बातचीत होती है? सीखते हैं सर, हम आपस में एक दूसरे से कुश्ती भी सीखते हैं और सपोर्ट भी हमारा एक दूसरे का बहुत ज़्यादा, कि हम दोनों एक ही फील्ड से हैं। सर, इनके गोल्ड के बारे में क्या बोलेंगे? जी, काफ़ी खुशी है और जितना मैट से जुड़े रहेंगे उतना अच्छा करेंगे। हम बार बार मैट पे अच्छा करने की कोशिश करते हैं और हम अच्छा कर रहे हैं, उसके लिए काफ़ी हम खुश हैं। और आपका कल के मुकाबले के बारे में कोई प्रेडिक्शन, कोई एक्सपेक्टेशन? जी देखिए, बस यही है कि अपना 100% देना है मैट पे, बस। ऐसे परिवार के रूप में दोनों ही पति पत्नी यदि कुश्ती खेल रहे हैं तो उसका कितना फर्क पड़ता है आपको, एक ही प्रोफेशन में आप दोनों? ये काफ़ी अच्छी बात है, एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छी हो जाती है और मतलब आपकी कमियां खूबियां सभी आपको एक दूसरे को बता सकते हो, काफ़ी अच्छी बात है, पॉजिटिव पॉइंट है। और आपका नेक्स्ट टारगेट, लास्ट क्वेश्चन, आपका नेक्स्ट टारगेट क्या है? अभी आने वाले साल में कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स हो गया, हमारा पूरा फोकस उन्हीं पे है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।